ओप्पो ने एक बहुत ही बड़ी न्यूज खड़ी कर दी है ओप्पो रेनो इसके बारे में, और ओप्पो रेनो एस का सारा स्पेसिफिकेशन, कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस ओप्पो ने लीक कर दिया है। तो आइए उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सो बिना देरी के लेस गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग है, कुछ हाईलाइट की पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें 12 GB रैम, स्नैपड्रैगन 855 प्लस क्वाड कैमरा, 48+8+13+2 का फ्रंट, 16 MP, 4100mAh की बैटरी और 6.53 इंचेस का आपको इसमें डिस्प्ले मिलेगा। इसकी लॉन्च डेट की बात किया जाए तो 10 अक्टूबर 2019 होगा। इसमें एंड्रॉयड 10 का आपको सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, ओप्पो रेनो पे ओप्पो रेनो सीरीज के साथ एंड्रॉयड 10 का ऑप्शन मिल चुका है। तो अगर आपको आपके पास ओप्पो रेनो का फ़ोन है तो आपको एंड्रॉयड 10 का ऑप्शन बहुत जल्दी मिलने वाला है। इस फोन में भी एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट आपको मिलेगा। इसमें डुअल सिम होगा, दोनों नैनो सिम लगेगा, डुअल 4G सपोर्ट होगा। इसके अगर डायमेंशन की बात किया जाए तो इसको ये आपको फ़ोन 8.7 mm का मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठीक होगा। ये दो कलर में आएगा, ब्लैक एंड ब्लू। इसके स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.53 इंच का स्क्रीन होगा, 1080x2400 पिक्सल्स। ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, कैपेसिटिव टच, मल्टी टच, और इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात किया जाए तो 84% होगा। और इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। अगर हम स्नैपड्रैगन 855 प्लस के बारे में बात करें तो ये स्नैपड्रैगन 855 का ओवरक्लॉक वर्जन है, जो कि 2.94 GHz पे क्लॉक्ड है। इसमें सिंगल कोर है, क्रायो के 485 वाला, और ट्राई कोर है क्रायो 485, जो कि 1.8 GHz में क्लॉक्ड है। एंड ये 64-bit का प्रोसेसर है। इसमें GPU की बात किया जाए तो इसमें एंडिनो का 640 GPU है। ये 12 GB रैम, 256 GB के स्टोरेज के साथ आने वाला है। इसके सेंसर की बात किया जाए तो रियल CMOS सेंसर आपको मिलेगा। इसका एपरेचर आपको कैमरा एपरेचर f1.8 का मिलेगा। इसके इमेज रेजोल्यूशन की बात किया जाए तो 8000x6000 होगा। इसमें एक्सपोजर कंप्रेसर ISO जैसे हाई डायनेमिक रेंज HDR शूटिंग रेंज 800 nits का आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा डिस्प्ले में। एंड ये फ़ोन आपको ओप्पो का ही सुपर वूक चार्जर, जो कि 65 watts का है, उसको भी सपोर्ट करेगा। तो यही था इस फ़ोन के बारे में। और हाँ, इसमें 3.5 mm भी जैक होगा। तो यही था इस फ़ोन के बारे में। इस फ़ोन से रिलेटेड मुझे और भी कुछ नया फीचर्स मिलता है तो मैं ज़रूर बता दूंगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।